तो ये जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो, इस तरीके की मोमेंटो या ट्रॉफी मुझे पूरे MBBS में नहीं मिली, बट जब मिली तब इसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ और है। तो यस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर इन्वाइटेड मी फॉर द टॉपर्स टॉक 2024 एंड आई डिड माई MBBS फ्रॉम देयर इटसेल्फ। एंड मेरा शहर नागपुर से 70 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो जब सुबह हम निकल रहे थे तब धीमी धीमी बारिश हो रही थी। हमका मतलब आई टुक माई पेरेंट्स विथ माई सेल्फ एंड ऑलमोस्ट एक साल के बाद मैं अपने कॉलेज में किसी फंक्शन में जा रहा था, वो भी एक गेस्ट बन के। तो इट वॉज रियली अ डिफरेंट फीलिंग फॉर मी। बट देयर इज़ वन थिंग, आई वॉज जस्ट बींग अ नॉर्मल एंड एवरेज स्टूडेंट इन माई होल MBBS जर्नी। बट फिर भी अगर मेरे हाथ में आज ये है और मेरे हाथ में आज ये रैंक है, तो फर्क नहीं पड़ता कि MBBS डेज में तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल आया था कि नहीं आया था, टॉपर्स की लिस्ट में तुम्हारा नाम था या नहीं था। फर्क ये पड़ता है कि आज तुम ये क्रैक कर पा रहे हो या नहीं। सो नेवर एवर कंपेयर यूर सेल्फ विथ एनी वन। हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ लोग हमसे आगे हो, बट जब तुम अपने 100% एफर्ट्स लगाओगे ना, रिजल्ट तुम्हारे फेवर में ही निकलेगा। सो वापस आते हैं टॉपर्स टॉक पे। जब मैं अपने कॉलेज में पहुंचा तो जिस हॉल में हमारा इवेंट हो रहा था, उस हॉल को देख के लग ही नहीं सकता था कि वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज का हॉल है। हमें लगेगा कि यार एम्स या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का हॉल है। सो आई मस्ट से कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर इज प्रोग्रेसिंग एट अ वेरी रैपिड पेस। द इवेंट स्टार्टेड विद फेलिसिटेटिंग द टॉपर्स बाय ऑनरेबल डीन एंड वाइस डीन ऑफ GMC नागपुर। देन सारे टॉपर्स ने वन बाय वन अपना पर्सपेक्टिव रखा उनकी एग्जाम जर्नी से रिलेटेड एंड एक काइंड ऑफ इंट्रो स्पीच दिया। मैंने भी जब अपनी स्पीच स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में तो ठीक गया, बट लास्ट में एक कोड बोलते बोलते गड़बड़ हो गई। तो सुन लो मैंने क्या बोला। आई नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी काइंड ऑफ क्विजेस दैट वर कंडक्टेड। मेरे बैच में 200 लोग थे। आई वॉज नेवर विद इन द टॉप 20 इन एनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। सो डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, आई एम नॉट सेइंग कि क्विज के एक्सपोजर से या टॉपर्स टॉक में जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। इट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग हियर कैन रेजोनेट विथ मी, राइट? कि आपकी प्रिपरेशन शायद MBBS में टॉप नॉच नहीं होगी जो टॉपर्स की रहती है, बट स्टिल इफ आई एम एबल टू गेट 695 ऑल इंडिया रैंक, देन यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द कैपेबिलिटीज टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। अगर आपका वाई क्लियर है कि आपको ये एग्जाम क्यों क्रैक करनी है, आपको एक अच्छी सीट क्यों चाहिए, तो द हाउ बिकम्स इजी। इफ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स, इफ यू फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। ये रट्टा मार के आया हूँ मैं। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे डिसिप्लिन्ड, and all never forget why you started. Never ever forget why you started. This will help you in your journey to stay consistent. अगर आपका रीजन बहुत स्ट्रांग है ना, यार मुझे ये मेरे पेरेंट्स के लिए करना है, मुझे खुद के लिए करना है, मेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए करना है, क्योंकि आपकी जो ये ब्रांच है आपने सुना होगा कि यार ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ सेकेंड वाइफ, इट विल स्टे विथ यू होल योर लाइफ। ओके, सो यू हैव टू put in all your efforts, your 101% efforts to crack this exam. So, इस जो journey है या जो period है preparation का, इसको कभी भी lightly नहीं लेना चाहिए। I'll leave you guys with this quote that says, "Try has 3 letters, but so does the joy. Hate has 4 letters, but love, but as but as love has the same letters." Okay. वो love वाले मामले में थोड़ा अटक जाता हूँ। failure has 7 letters, but so does success. And negativity has 10 letters, but so does the positivity. So you will always have a choice. So choose the better side of it. Thank you so much, guys. सारे टॉपर्स की इंट्रो स्पीच खत्म होने के बाद जो हमारे जूनियर्स हमारे सामने बैठे थे, उन्होंने अपने क्वेश्चंस रेस किए एंड टॉपर्स ने उनको एड्रेस करने की अपने तौर पे कोशिश की। तो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम स्ट्रेटेजी, एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड थे, जिन टॉपिक्स को मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करके रखा है, तो उन चीज़ों को वापस यहाँ रिपीट करने का सेंस नहीं बनता। बट एक जूनियर था जिसने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। ही सेड कि हर साल इतने सारे एस्पिरेंट्स जेन्युइनली प्रिपेयर करते हैं इस एग्जाम के लिए, बट हमारे सामने आप 10-15 लोग ही बैठते हो हर साल टॉपर्स टॉक में, तो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं ये लोग जो बाकी लोगों से ये आगे चले जाते हैं? मेरे पास इसका सिर्फ एक जवाब था जो मैंने ऐसे दिया। कंसिस्टेंसी इज द की। ये सुना जरूर है सब लोगों ने, सबको पता है कि यार इससे ही होने वाला है, बट करना बहुत मुश्किल रहता है। आप जब करने बैठोगे ना, जब आप लाइक इस फेज से जाओगे, वो रोज एक माइंडसेट के साथ उतरना लाइक ये कंप्लीट होना चाहिए, देन PYQs करने हैं, देन ये देखना है वीडियोस, उसमें बहुत ड्रेन होता है इंसान। कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करके रखेगा, मैंने 15-16 आंस कभी नहीं पढ़ा है, एवर एवर 695 रैंक लाने के लिए भी नहीं पढ़ा है, बट
मैं इतना बोलूंगा, मैंने अच्छी स्लीप ली, फिटनेस के ऊपर ध्यान रखा। थर्ड थे कंसिस्टेंसी, रोज पढ़ा। अगर मुझे कुछ लग भी रहा है ना कि आज यार इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की, तो कम से कम 100-200 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेता था। ना पढ़ो कुछ तो, बाकी पूरा दिन एंजॉय करो, बट फिर भी अगर तुम्हारे पास तुम्हारी कंसिस्टेंसी है ना, तो स्टार्टिंग में शायद तुमको इतना डिफरेंस नहीं लगेगा, बट वे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब तुम एंड में पहुंचोगे ना, तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। वही तुमको आगे के जो 99% लोग है ना, उनसे आगे लेके जाएगा। एट दी एंड क्वेश्चंस खत्म हुए, इवेंट खत्म हुआ, एंड इट बिकेम अ मेमोरेबल डे फॉर मी। एंड इसके पहले जो भी मैंने वीडियोस डाले, उन सारे वीडियोस के कमेंट्स को मैं अच्छे से रीड करता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ, एंड जेन्युइनली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एंड उन सारे कमेंट्स को देख के मुझे लिटरली लगता है कि बहुत सारे लोग मुझसे कोरिलेट कर पाते हैं। एंड इन सारे कमेंट्स को देख के पता चलता है लिटरली कि तुम कितने पैशनेटली ड्रिवन हो अपने गोल की तरफ। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड खुद के ऊपर बिलीव होना ही चाहिए। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वर्क करूंगा। एंड टिल देन सी यू सून, जय हिंद एंड कीप बीइंग स्ट्रांग।